नमस्कार, मैं विवेकानंद, आप देख रहे जवाहर न्यूज। आज हम आ चुके हैं निमनिया किता जो महुआ प्रखंड के अंतर्गत आता है। यहाँ पे सरहुल त्यौहार मनाया जा रहा है, तो हम जानेंगे कि आखिर सरहुल त्यौहार क्यों मनाया जाता है और किस तरह मनाया जाता है, इन सब चीज़ों पर आज हम बात करेंगे। अभी हम आ चुके हैं जहाँ पे सरहुल त्यौहार मनाया जा रहा था, वहाँ पे ग्राउंड में आ चुके और हम जानेंगे कि आखिर सरहुल त्यौहार जो मनाया जा रहा है क्या चीज है। तो आपका नाम क्या हुआ चाचा? रामचंद्र उराव। सरहुल त्यौहार मना रहे हैं ना? जी सर। तो इस त्यौहार जो मना रहे हैं आप, अपने यानी कि क्या चीज के लिए लेके मना रहे हैं? देखिए, ये हम लोगों का आदिवासी का ये प्राकृतिक पूजा है। हम लोगों का पूजा जल जंगल और ये धरती पूजा और सूरज पूजा के नाम से सरहुल पूजा को मानते हैं। सरहुल इसका सृष्टि और उत्पन्न हम लोगों को सरना माता द्वारा से हुई है। सरहुल त्यौहार उराव आदिवासी के नाम पर ये हम लोगों का प्राकृतिक पूजा 300 वर्ष पूर्वज से चल रहा था और इधर बीच में कुछ अशिक्षा के कारण दादा परदादा ने छोड़ दिया था। छोड़ देने के कारण जो वर्तमान में लोग यहाँ के समाज का होली का त्यौहार, दीपावली का त्यौहार, दुर्गा पूजा का त्यौहार समाज के रीति रिवाज को देखते हुए उसी को मानते थे, लेकिन अपना परंपरा पूजा को, प्राकृतिक पूजा को नहीं जानते थे। लेकिन अब कुछ कुछ शिक्षा पाने के बाद, इतिहास के पन्ना पलटने के बाद, हम आदिवासी का प्राकृतिक पूजा है, हम लोगों का परंपरा ये धरती पूजा है। आप आदिवासी को क्या संदेश देना चाहेंगे इस त्यौहार को करें या इस त्यौहार को हम आदिवासी भाइयों को करने के लिए हम सुझाव और दिशा निर्देश देना चाहते हैं। आपका जो पर्व था यानी प्राकृतिक से रिलेटेड था, जुड़ा हुआ था, जो कि सदियों से चलते आ रहा था। हाँ, हाँ। तो मेरे साथ एक भैया जी से हम बातचीत करेंगे। भैया जी, आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम पप्पू कुमार टिग्गा हुआ। तो इस त्यौहार के उत्सव पे आप कुछ कहना चाहेंगे अपना? हम ज़्यादा नहीं बोल के हम एक बहुत संक्षेप पे हम बोलना चाहेंगे इस पर्व के शुभ अवसर पर। हम बोलना यही चाहेंगे कि आज सिर्फ हम ही लोग नहीं बल्कि पूरे झारखंड के, जैसे हम बोलेंगे तो छत्तीसगढ़, पलामू, मध्य प्रदेश, गुमला, रांची जैसा शहरों में हमारा आज इस सरहुल पर्व जो है कि बहुत बड़ा धूमधाम से ये पर्व को मनाया जाता है। आई हम जानते हैं कि इस सरहुल पर्व जो है हम लोगों के लिए एक प्राकृतिक का पूजा है और हम लोग आदिवासी जैसे इन्होंने बोले कि जल जंगल और ज़मीन से हम लोग रिलेटिव है, उसी प्रकार हम लोग भी इस झारखंड के मूल वासी होने के नाते आज हम लोगों का संस्कृति जो है, जो एक आदिवासी का जो संस्कृति जो है, हम लोग आज पूर्वजों से जो है, जो पहले पढ़ा लिखा लोग व्यक्ति नहीं था, अभी तो हम लोग अब युवा बहुत जागरूक हो गया, अपना संस्कृति को पहचानने लगा, जानने लगा और वो मनाने के लिए उस शुरुआत किया और हम लोग शुरुआत कर ही दिया। अब पर्व मना तो भैया जी का कहना था कि जो पर्व है प्राकृतिक का पर्व है, बातचीत यहाँ पे बातचीत किया जो कि बोला कि प्राकृतिक का पर्व है और हर एक राज्य में, बाहरी राज्य में भी मनाया जाता है, बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है और मनाना चाहिए, सभी को मनाना चाहिए। तब तक आप देखते रहे जवाहर न्यूज़।